लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे। अब देखिए सविता मौर्य किस तरह से धोखा दे रही है अपने पति अर्जुन को। तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे। मुझे गाली बकती है और मुझसे कहती है कि मैं तेरी हत्या करा दूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी, कि भाई पैसा मैं चाहे कहीं से भी लेकर आऊं। अपनी पत्नी को पढ़ाना ही उसका उद्देश्य है। अब मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि आपको कभी कोई अपनी वाइफ को पढ़ाए। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो एहसान फरामोश होती हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल पेज पर दोस्तों आपका स्वागत है। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की स्टोरी के बाद जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई साहब पत्नी को पढ़ाना बेहद खतरनाक सौदा है। पत्नी को पढ़ाने का मतलब अपना वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देना। दोस्तों हालांकि हर महिला के साथ ये वर्ड लागू नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो पढ़ने लिखने के बाद, अधिकारी बनने के बाद अपने पति परमेश्वर की पूरी सेवा करती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो एहसान फरामोश होती हैं। उनके लिए चार शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्यार, शादी, नौकरी और फिर बेवफाई। जी हाँ, इस कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया है, और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है, जहाँ पर एक गरीब मजबूर जो युवक था, उसने पहले शादी की एक गरीब लड़की से, और जब उसको पता लगा कि उसकी पत्नी का पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसने कसम खाई कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और उसे इस काबिल बनाऊँगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो पोस्ट पाना चाहे वो उसे मिल जाए। तो इस कहानी में दोस्तों दो किरदार हैं। पहली कहानी की तरह कहानी के पहले किरदार हैं अर्जुन, और दूसरी किरदार है वो महिला जिसका नाम है सविता मौर्य। तो दोस्तों 2017 में इन दोनों का मिलाप होता है और फिर धीरे धीरे प्यार होने के बाद दोनों की शादी हो जाती है, और जो लड़की के घरवाले होते हैं वो पति महोदय यानी कि अर्जुन को बताते हैं कि भाई जो सविता मौर्य है उसका पढ़ाई में बेहद ज़्यादा इंटरेस्ट है, और अगर वो उसको पढ़ाएगा लिखाएगा तो वो एक ना एक दिन कुछ ज़रूर बन जाएगी। तो पहले तो अर्जुन को लगा कि हर लड़की के घरवाले इस तरह की बात कहते हैं, लेकिन जब उसने देखा कि वाकई उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसने कसम खाई कि भाई पैसा मैं चाहे कहीं से भी लेकर आऊँ, अपनी पत्नी को पढ़ाना ही उसका उद्देश्य है। तो उसने आसपास के लोगों से, किराना व्यापारी से, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पैसे उधार लेने शुरू कर दिए और अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू कर दिया। और देखिए जब कोई गरीब मेहनत करता है तो उसकी मेहनत रंग लाती है। उसके पति ने पैसा उधार लेकर लगाया और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सविता मौर्य है वो मेहनत नहीं करती थी, तो उसने मेहनत की और उसकी दिल्ली में एक नर्सिंग की नौकरी लग गई। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उसका नर्सिंग में बहुत शौक था, उसका सपना था कि मैं नर्सिंग के एरिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाऊँ, और एक दिन जब वो एग्ज़ाम देगी तो CMO बनने की भी उसकी कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी। तो सबसे पहले सविता मौर्य की जो नौकरी लगी दिल्ली के एक नर्सिंग कॉलेज में लगी, सरकारी वो नौकरी थी, और उसका जो पति था अर्जुन बेहद खुश था। उसने कानपुर देहात से अपनी पत्नी को सीधे दिल्ली भेज दिया। दोस्तों जो गरीब परिवार होते हैं, जो दूर दराज के लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे जो नौजवान होते हैं, बहुत मुश्किल से अपने जो घर की इज्जत होती है, या यूं कहें साफ तौर पर जो उनकी पत्नी होती है, घर की जो दूसरी बहू बेटियां होती हैं, बड़ी मुश्किल से वो दूसरे जगह वो भेजते हैं उनको नौकरी करने के लिए। लेकिन काबिल थी सविता मौर्य है, तो इस वजह से उसने उसको दिल्ली भेज दिया। लेकिन दिल्ली पहुँचते ही जो सविता मौर्य थी उसका जो मिजाज था और रंग दोनों ही बदलने लगे, और वो धीरे धीरे अपने पति से दूर होने लगी। अर्जुन को थोड़ा बहुत शक हुआ शुरुआती दौर में, उसने फिर क्या किया, वो दिल्ली जाकर रहने लगा, और उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश के एक सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग होता है वहाँ पर उसने उसके लिए सिफारिश लगाई और यहाँ पर उसकी नौकरी लगवा दी। तो एक तरह से उसने अपनी पत्नी सविता मौर्य का प्रमोशन करा दिया, क्योंकि दिल्ली में जिस नर्सिंग कॉलेज में थी वहाँ उसको बहुत कम पैसे मिलते थे, हालाँकि स्टेटस वाली जॉब थी, एक ना एक दिन उसको दिल्ली में प्रमोशन मिलता,
लेकिन उसको लगा कि भाई जो उसकी पत्नी है वो उसको धोखा दे रही है, किसी और युवक के वो संपर्क में है और उसके परिवार से दूर हो गई है, तो उसने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया। हालांकि उसके पास तमाम तरह के सबूत थे कि भाई उसकी पत्नी उससे अलग हो रही है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि भाई 7 जन्मों का रिश्ता है जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए हैं अग्नि के सामने, अब अगर वो बहक गई है तो मैं उसको सही रास्ते पर लेकर आऊँगा। तो उसने कानपुर देहात के एक स्वास्थ्य विभाग में उसकी नौकरी लगवा दी और यहाँ पर फिर जो सविता मौर्य थी अपना बार बार रंग बदलने लगी। अब अर्जुन को लगा कि भाई एक तरफ तो उसके पीछे कर्जदार दौड़ रहे हैं, उसकी पत्नी सविता ने उससे वादा किया था कि जब वो उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी या वो किसी मुकाम पर पहुंच जाएगी तो वो उसको उसका कर्ज उतारने के लिए पैसा देगी, तो यहाँ पर उल्टा होने लगा। एक तो पैसा गया, कर्जदार अर्जुन के लगातार पीछे थे और जो उसकी पत्नी सविता मौर्य थी वो अपने पति से ही पीछे छुड़ाने लगी। तो अर्जुन ने क्या किया कि किसी तरह से जो उसका मोबाइल नंबर था उसकी उसने CDR निकलवाई। CDR कैसे निकलवाई, क्योंकि जो मोबाइल का बिल था वो उसके घर पर ही आता था, तो उसने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करी। अब कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद पता लगता है कि उसके किसी दूसरे युवक से संबंध है। हालांकि देखिए, हम लोग इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक महिला के चरित्र पर हम लोगों का कोई हक नहीं बनता सवाल उठाने का। ये जो भी बातें हैं वो अर्जुन मीडिया के सामने आकर बोल रहा है। बाकायदा उसने तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसने एप्लीकेशन लिखकर इस बात की शिकायत की है, तो हम लोग उसकी शिकायत पर ही ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो अर्जुन है वो अपनी पत्नी से परेशान हो गया। सविता मौर्य से उसने फ़ोन पर बातचीत की। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप उस रिकॉर्डिंग को पहले सुने और उसके बाद मैं आपसे फिर बात करता हूँ। हेलो, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो हेलो, हाँ हेलो, कितना पोस्ट डालेगा अभी? देखो, कुछ नहीं डालेंगे, कुछ नहीं करना है लाइफ में, बस तुम जानती हो ये सब बवाल, जितना तुम जितने दिनों से तुम ब्लैकलिस्ट में रखी हो, अगर थोड़ा थोड़ा बात की होती ना, अगर थोड़ा थोड़ा बात होता है तो सब चीजें का हल हो सकता है, या बैठ के बात होता है या फोन से बात होता है, हर एक चीज का, हर चीज का हल है। इंसान समझता है तब बात किया जाता है, ठीक। जितना हमें सजा दे रहा है, जितना हमें प्रताड़ित कर, जितना हमें परेशान कर रहा है, जितना हमारे शरीर में आग लग रहा है, तो अभी औरतों का असली रूप देखा नहीं है यार। जब औरतें अपने पे उतर आएंगी ना, तो तुझे ना फाड़ देंगे बीच बीच से, ये तू जान ले। तुझे अंदाजा नहीं है कि कब तक औरतें बर्दाश्त करती हैं और कितना सहती हैं, ठीक है? हाँ, तेरा अब लिमिट एकदम पार हो गया है, ठीक। तो यार, कितने दिन से हम तुमसे सही होने के लिए बोल रहे हैं, सब सही हो गया। एक बार और बाद में बोलना, मेरी बात सुन। तू कुछ भी कर ले, भगवान भी उतर के आ जाए नीचे जमीन पे, वो भी कहेंगे ना तेरे साथ रहने के लिए, तो हमें एक्सेप्ट नहीं है। हम पूरा जिंदगी बिना शादी के रह जाएंगे, इतना हमें है, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेंगे। वो भी तो नहीं करती हो यार, ये तो वादा करके तुमने चीट कर दी उनको। मेरी बात यही तो यही कर दी है आज तक। मेरी बात सुनना पहले, फिर से सुन ले जो हम कह रहे हैं। वो सब भाड़ में जाए, ठीक है, वो सब छोड़, वो हटा, वो उसका कोई मतलब नहीं है फर्जी बातों का। लेकिन जितना हम कह रहे उतना सुन, तू कुछ भी कर, हम तेरे साथ रहने वाले में से नहीं है, ठीक है? तो चलो साथ रहना हो, राइट? हम ज्यादा, अब तो हमारी इज्जत एकदम रोड पे ला दी, अब हम करने वाले हैं सुसाइड। अब तुम सुसाइड क्यों कर रही हो, जब तुम 3 साल 4 साल से फिर तुम कर रही हो, आप सही नहीं हो रही हो। तो दोस्तों, आपने उस रिकॉर्डिंग को सुना। अब देखिए, सविता मौर्य किस तरह से धोखा दे रही है अपने पति अर्जुन को। कोई पत्नी इस तरह बदतमीजी से बात कर सकती है, सोच भी नहीं सकता। अर्जुन से मेरी बात हुई थी फोन पर, तो मैंने उससे पूछा कि जो आपकी पत्नी है सविता मौर्य, जो कि अब अधिकारी बन चुकी है, तो क्या पहले भी वो इस तरह से बदतमीजी से तू तड़ाक से बात करती थी? उसने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे पैर छूती थी, मुझे आप करके बोलती थी, लेकिन जब से उसके हाथ में ताकत आई है और वो एक स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी बन गई है, तब से वो मैं उसके स्टेटस का नहीं रहा। मुझे गाली बकती है और मुझसे कहती है कि मैं तेरी हत्या करा दूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी, इस तरह की भाषा वो बोल रही है। और वो कहती है कि मैं अब उसके स्टेटस का नहीं रहा। अब देखिए, मैंने तो उससे शादी की थी, उसको पढ़ाया लिखाया,
दुनिया भर से कर्ज लिया, और उसके बाद अब सविता मौर्य कहती है कि मैं उसके स्टेटस का नहीं, अब उसका कहना है कि मैं अब कहाँ जाऊँ। तो उसने मीडिया के सामने खुलकर बयान दिया, खुलकर उसने बयानबाजी की। अब वो पुलिस अधिकारियों के पास जा रहा है। नाम अर्जुन सिंह है, मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये सुमिता भाई लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं। अब आप दोस्तों सोचिए कि उसने मीडिया के सामने इस तरह की बयानबाजी क्यों की। उसका ये कहना था कि जब से मैंने SDM ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक का केस देखा, उसके बाद मेरे अंदर भी हिम्मत जागी कि मैं भी मीडिया के सामने आकर कम से कम न्याय की बात कर सकता हूँ, मुझे कैसे भी करके न्याय मिले, और अगर न्याय नहीं भी मिलेगा तो मेरे लिए अब मेरी पत्नी की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने उसको पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया है, कर्जा लेकर अभी तक तमाम जो कर्ज़दार हैं मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, तो कम से कम वो भी इस चीज़ को देखे मैंने कर्जा किन हालातों में लिया। अपने लिए, अपनी अय्याशी के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए मैंने कर्जा नहीं लिया था, अब उस कर्जे को मैं कैसे निपटाऊं, कैसे उनका कर्जा दूं, ये समस्या अर्जुन के साथ बहुत बड़ी बनी हुई है। दोस्तों मैंने उससे पूछा कि भाई आप आखिर अपनी पत्नी को क्यों पढ़ाना चाहते थे, तो उसने कहा मैंने अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म देखी थी, उससे मैं इंस्पायर था, और भी बहुत सारी मूवी देखी मैंने कि जिसमें पत्नी पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, तो मैंने सोचा एक दिन मेरी भी पत्नी बहुत बड़ी अधिकारी बनेगी, मेरे भी दिन बहु रहेंगे। लेकिन इन सब बातों से वो अनजान था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और एक दिन उसकी हत्या करने की बात कहेगी, उसके टुकड़े टुकड़े कराने की बात कहेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। तो कुल मिलाकर अपनी पत्नी के इस बदले व्यवहार से जो अर्जुन है पूरी तरह से टूट चुका है। दोस्तों ये जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सुन रहे होंगे मेरी तमाम बातें, आलोक की आपने बात सुनी, उसकी पत्नी की आपने बात सुनी, ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इसमें अर्जुन की कोई गलती है या फिर जो उसकी पत्नी सविता मौर्य है वो वाकई बेवफाई अपने पति के साथ कर रही है, मौका परस्त वो महिला है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। और इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने समय से रखूँ। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार।